नहीं रहे सुरों के बादशाह, कैसे हुई केके की मौत, क्या है केके की मौत की असली वजह, सिंगर ने कब ली आखिरी सांस, केके की ये आखिरी तस्वीर थी जब वो स्टेज पर यूं गुनगुना रही थी और उनके गीतों पर उनके चाहने वाले थिरक रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था जो स्टेज उनकी जिंदगी है, इस स्टेज पर इनका यह आखिरी परफॉर्मेंस साबित होगा। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि के यूं चले जाएंगे, पल याद आएंगे, वो पल तड़प तड़प के इस दिल से और आंखों में तेरी जैसे सैकड़ों सुपरहिट गानों से हिंदुस्तान को दीवाना बनाने वाले बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर के आज हमारे बीच नहीं है। मंगलवार की कोलकाता की वो शाम जब एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से के हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत 53 साल की उम्र में जिंदगी को यूं अलविदा कहेंगे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसा क्या हुआ था के को, क्या वो पहले से बीमार थे, क्या वो जानते थे कि उनकी तबीयत नासाज है, क्या है के के मौत का सच। बताया जा रहा है कि के कोलकाता के उल्टा डांगा में नजरुल मंच पर एक कंसर्ट कर रहे थे और लाइव परफॉर्मेंस के दौरान वो थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, लेकिन कॉन्सर्ट के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर गए, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं केके की मौत को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। दरअसल केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया है। सिंगर के चेहरे पर चोट के निशान मिले थे, इसे लेकर आशंका जताई जा रही थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि होटल में सोफे पर बैठने के दौरान गिरने से उन्हें चोटें लगी। कैसे हुई केके के करियर की शुरुआत? केके ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल गानों के लिए अपनी आवाज दी और दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। और केके ने म्यूजिक एल्बम पल से बतौर गायक अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि ग्रेजुएशन करने के बाद केके ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी भी की, लेकिन म्यूजिक में इंटरेस्ट होने के चलते उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में नाम कमाने और बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आ गए। साल 1999 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से केके को बड़ा ब्रेक मिला और इस गाने के बाद उनकी गिनती बड़े सिंगर्स में होने लगी। रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं, जिसमें यारो दोस्ती बड़ी ही हंसी है, याद आएंगे वो पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, 10 बहाने करके ले गए दिल, अजब सी अदाएं हैं, खुदा जाने मैं मिट गया, दिल इबादत कर रहा है और तू ही मेरी शब है, सुबह है, जैसे सुपर हिट गाने शामिल हैं। वहीं केके के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है और केके की मौत पर देश के नेताओं, गायकों और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने दुख जताया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि केके के निधन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बॉलीवुड के तमाम कलाकारों ने क्या कहा। पीएम मोदी ने केके के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, केके के नाम से मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत के आकस्मिक निधन से दुखी हूँ। उनके गानों ने भावनाओं की कई कड़ियों को दिखाया जो सभी उम्र के लोगों के साथ जुड़ी। हम उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि केके एक प्रतिभाशाली गायक थे, उनके आंसुमय निधन से भारतीय संगीत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। अपनी आवाज से उन्होंने संगीत प्रेमियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और प्रशंसकों के बीच मेरी गहरी संवेदना है, ओम शांति। केके की मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताते हुए कहा है, उनके परिवार को हर सहायता दी जाएगी। ममता ने ट्वीट कर कहा कि केके के आकस्मिक और असमय निधन से स्तब्ध और दुखी हूँ। मेरे सहयोगी कल रात से ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि उनके परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए, मेरी गहरी संवेदना। तो वही बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को भी केके के निधन की खबर से झटका लगा। अक्षय ने अपने ट्वीट के माध्यम से केके को श्रद्धांजलि दी। एक्टर ने ट्वीट कर लिखा, केके के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ, शांति। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गायक कुमार शानू ने भी शोक जताते हुए कहा कि ये न्यूज बहुत शॉकिंग है, सोच भी नहीं सकता कि केके हमारे बीच नहीं है। अभी जो सिंगर्स हैं उनमें सबसे सक्षम सिंगर केके था, वो हर तरह के गाने गा सकते थे, उनका नेचर बहुत मिलनसार था, पता नहीं ये कैसे हो गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने ट्वीट किया, मेरा छोटा भैया
हम साथ आए थे दिल्ली से, हमारा पहला ब्रेक, पहली फिल्म, पहली कामयाबी, एक साथ मार्चिश, छोड़ आए हम वो गलियां, दूसरा गाना उन्होंने पानी पानी गाया था, अनगिनत लम्हे, अनगिनत यादें, बेपरहा दर्द, बिछड़े सभी बारी बारी। फेमस सिंगर और केके के अच्छे दोस्त शान ने सिंगर की मौत पर दुख जाहिर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। शान ने लिखा, केके हमेशा एक अमर लड़के रहेंगे, जो बड़े होने से मना करते थे वो सादगी से जिंदगी जीते रहे। इसके अलावा भी तमाम जाने माने लोगों ने केके की मौत पर दुख जताया, तो वहीं केके के फैंस भी सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सिंगर के पार्थिव शरीर को गन सल्यूट दिया गया। बता दें कि केके ने बॉलीवुड में 26 साल से भी ज्यादा साल बिताए हैं। इन सालों में उन्होंने सलमान खान से लेकर शाहरुख खान समेत कई दिग्गजों के लिए गाने गाए, जिसमें उनके ज्यादातर गाने सुपरहिट हुए और फैंस ने उन्हें वॉइस ऑफ लव का दर्जा दे दिया। लेकिन अब यह आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई।